अश्मित और मैं हूँ गरिमा एंड वेलकम टू आवर चैनल डांसर्स इन स्टाइल। तो आज हम बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं ये सीरीज जो हमने प्रॉमिस करी थी हम लाएंगे। और ये सीरीज का सबसे पहला एपिसोड है विच इज अबाउट फाइंडिंग योर बॉडी शेप। तो क्यों इतने डिफरेंट तरह की बॉडी शेप्स होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं? वो इसलिए क्योंकि हर इंसान अलग है और हर कोई अपना जो बॉडी फैट है वो डिफरेंट जगह पे स्टोर करता है। कई लोग अपर बॉडी में फैट स्टोर करते हैं सो दे हैव अ हेवियर अपर बॉडी, कई लोग लोअर बॉडी में फैट स्टोर करते हैं, कई लोग स्टमक के आसपास फैट स्टोर करते हैं। सो इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इट्स नथिंग टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ अबाउट, क्योंकि ये नेचुरल तरीका है बॉडी का। एंड दैट्स हाउ वी ऑल आर यूनिक। हम अलग अलग, हम जरूरी नहीं है सब एक जैसे हो, और यही चीज है जो हमें यूनिक बनाती है। बट अपनी बॉडी शेप जानना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी शेप और आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आप पे कौन से गार्मेंट ज्यादा अच्छे लगते हैं, सो दैट आपको पता हो और आप उसी के लिए कपड़ों में इन्वेस्ट करें। हाँ, क्योंकि हम कपड़े पहनते इसलिए ताकि हम अच्छे लगें, एंड इफ यू बाय समथिंग व्हिच डज नॉट लुक गुड ऑन अस और डज नॉट अलाइन हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली, तो फायदा क्या हुआ? तो जो फर्स्ट स्टेप है इन नोइंग व्हाट योर बॉडी शेप इज टू मेजर योरसेल्फ, गेट एन इंची टेप, वेयर समथिंग दैट इज नॉन पैडेड और non-stuffed, non-stuffed and also something that doesn't tuck you in. ऐसा कुछ पहन के आप अपने आप को मेजर कीजिए और जो भी आपके मेजरमेंट्स हैं वो नोट डाउन कीजिए। स्टार्टिंग विद योर शोल्डर, योर बस्ट, योर वेस्ट एंड देन योर हिप्स। ये आपको विजिबल नहीं होगा एंड वी टू लेजी टू स्टैंड अप, बट यू गेट द आइडिया। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारी बॉडी शेप्स हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू categorize all of them, but we have selected 5 categories which are the categories जिसमें majority of the people fall करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने 5 categories select की हैं, which are the first category is the triangle or also known as the pear shape, which is me. So if you're a pear shape body type, your shoulders are smaller than your hips and you have a very defined waist like I do. Bragging much? Thoda bahut. Just a defined waist but very broad hips. So there's nothing to brag about. There's everything to brag about. But moving on. So these are the features of a triangle or a pear-shaped body type. But yahan pe aapke style goals kya hote hain? Aapke style goals ye hain ki aap apni already beautiful waist ko accentuate kare. Usko highlight kare. Aur apne clothing se apne illusion create करे of having a broader shoulder. Like I am right now, you can see I'm wearing this jacket which gives me a sort of a broad shoulder look, but I don't have broad shoulders. And here are some examples of the celebrities of pear body shape, but it's not that difficult to find that. So you'll see mostly people are pear shaped. Moving on to the second category is the inverted triangle body shape. That is me. So if you have broader shoulders, not very defined waist and a narrower hip line, then you fall under this category. And long legs. Yeah, long legs. तो यहाँ पे style goal होगा to bring attention to your legs and also to your hip area. और ये करने का एक तरीका है, अगर आप कोई flared skirt पहने, flared प्लाजो पैंट्स एक्चुअली, एंड ऑल्सो हाई वेस्टेड जीन्स ऑल्सो वर्क वेरी नाइसली फॉर पीपल हु आर ऑफ दिस बॉडी कैटेगरी। सेकेंड स्टाइल टिप ये होगी कि अपने शोल्डर्स की ब्रॉडनेस कम करने के लिए आप वी नेक लाइन्स पहने या फिर राउंड नेक लाइन्स पहने। डोंट वेयर समथिंग दैट इज बोट नेक और ऑफ शोल्डर। लीव दैट फॉर द पीयर शेप्ड, यू गो फॉर शोइंग ऑफ योर लेग्स and waists. And here are some And here are some examples of the celebrities of this body category. Moving on to the third body type. If you guys have any guesses, don't, because it's very obvious.
It's rectangle. The rectangle body type. How is she you doing? You need long fingers for this. No, I can do it. Yeah, you can do it. Mine is a square. Dude, it's a square. So this is the body type where you have narrow shoulders, not a very defined waist, and jo aapki hip line hai wo bhi narrow hi hoti hai. And styling goals for such body type is to create an illusion of having curves by styling with yourself with belts to give yourself an illusion of having a waist and create volume both above the waist and below the waist by wearing ruffles. Yes, ruffles all over yourself, ruffles in your trousers or skirts, flares, और आप puff sleeves भी try कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काम कर जाएगा. Don't forget that you have the liberty of showing off those really amazing legs, those really beautiful arms. So go ahead and do that. And here are some examples of the celebrities with this body type category. Moving on to the fourth body type. And it is the apple. Apple of our eye. And it means that if you are... If you have a body type जहाँ पे आपका upper body is heavier than your lower body in ways कि आपका bust heavy है और आपका stomach या tummy थोड़ा ज़्यादा heavy है, तो आप एक apple category में fall करते हैं with very thin arms and very thin legs. और waist की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आप अपने style से illusion create कर सकते हैं of having a waist. You can put belts over your clothing and also like wear clothes that cinch on the waist, have a tie on the waist, ताकि देखने वाले को लगे कि आप एक hourglass का figure बहुत अच्छी तरह से illusion दे सकते हैं if you wear the right kind of clothes. और जैसे गरिमा ने भी बोला कि अगर अपनी waist को cinch करेंगे तो आपकी body में actually एक hourglass का look आएगा. Yeah, but don't forget कि आपका style goal है to also elongate your body. So go for structured pieces जो आपको height दे and heels are your best friends. So and here are some examples of celebrities that fall into this category. Coming to the fifth body type. और ये है glass body type. We're jealous. We are jealous. अगर आप इस category में fall करते हैं तो you don't need any style tips. You guys just need to be yourself. Yeah, and wear whatever you can wear. You look good. So yeah, why bother? Get out of here. No, but please subscribe before going. Honestly, everyone's beautiful, but you guys just got better jeans. So you have this very nice hourglass figure. तो यहाँ पर आपके shoulders भी broad होते हैं, waist पतली होती है और hip region भी broad होता है. With thin legs. With thin legs, thin arms. Boy. And everything just perfect. So here are some celebrities with that fall into this category for your style inspiration. So we hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली कि आप अपनी बॉडी शेप आइडेंटिफाई कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टाइल को फिगर आउट कर सकें. और टेंशन मत लीजिए, हम बस यहीं नहीं रुकने वाले, हम और भी बहुत वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको और भी गाइड करेंगे कि आप अपने बॉडी शेप को किस तरह से बेटर स्टाइल कर सकते हैं और सेलिब्रिटीज अपने आप को किस तरह से स्टाइल करते हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. सो इट्स गोना बी अ होल सीरीज विद अ होल लॉट ऑफ वर्क गोइंग इनटू इट. सो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको इस एपिसोड में सब ना कर दें. यस, ऑल्सो इफ यू वॉच द वीडियो एंड यू लाइक इट, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे और व्हाट्सएप स्टोरीज पे इसको जरूर शेयर कीजिए टू हेल्प आउट योर फ्रेंड्स. और इंस्टाग्राम पे हमें टैग कीजिए. वीड लव टू बिकम अ मेंबर ऑफ योर पेज. वीड लव टू फॉलो यू बैक एंड फाइंड आउट द काइंड ऑफ पीपल दैट यू नो फॉलो अस. नो, वी वुड लव टू फॉलो यू बैक एंड गेट टू नो यू मोर. सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट ऑन योर इंस्टाग्राम. ओके गाइज, That was it. That was it. Are you sure? Yeah. Bye then. Bye.